आयोजन किया हुआ है और सराफा एसोसिएशन जबलपुर ने उनको स्थान उपलब्ध कराए हैं। सारे सदस्यों को नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सराफा व्यापारियों की मांग पर दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें व्यापारियों के लाइसेंस बनाने का कार्य किया गया। शिविर का आयोजन गोरेलाल धर्मशाला सराफा चौक में किया गया। बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह के मुताबिक व्यापारियों की सुविधा के लिए लाइसेंस बनाने शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजा सराफ अच्छा अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन जबलपुर। सर आपने ये जो शिविर का आयोजन करवाया है क्यों और किस लिए करवाया है? सराफा एसोसिएशन जबलपुर जी मध्य प्रदेश की सबसे सक्रिय संस्था है। ओके। और हम लोग अपने व्यापारियों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। ओके ओके। नगर निगम लाइसेंस का हमने आज और कल शिविर का आयोजन किया हुआ है और सराफा एसोसिएशन जबलपुर ने उनको स्थान उपलब्ध कराया है। सारे सदस्यों को हमने सूचित कर दिया है कि वो आकर अपना नगर निगम का साफ एक्ट वाला जो लाइसेंस है वो आके इधर सुविधाजनक तरीके से बना लें। क्या होता है, व्यापारी नगर निगम जाता है, परेशान होता है, अधिकारी उधर मिलता है नहीं मिलता है जी जी, तो दो दो चार चार बार जाना पड़ता है। ओके। हम अपने व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए हमने सराफा बाज़ार में दो दिवसीय यह शिविर का आयोजन किया है जी। और उससे सारे व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, तो सर ये किसकी मांग पर करवाया जा रहा है ये शिविर का आयोजन? हमारे सराफा व्यापारियों की मांग पर हम अच्छा हर साल करवाते हैं। अच्छा, तो किस प्रकार की दिक्कतों को मद्देनज़र रखते हुए ये शिविर का आयोजन करवाया गया है? व्यापारी जाता है, अधिकारी नहीं मिलता है, अधिकारी मिलता है तो कुछ डॉक्यूमेंट पूरी जानकारी नहीं रहती, तो हमारे व्यापारी को दो दो तीन तीन बार जाना पड़ता है। इधर पे एक ही स्थान पर सराफा बाज़ार में ही यहाँ पर अगर अधिकारी लोग आए हुए हैं तो वो सुविधाजनक तरीके से लाइसेंस बन रहे हैं। तो सर इसकी प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा हमको डिटेल से बताएंगे क्या क्या दस्तावेज लगते हैं इसमें? दस्तावेज नवीनीकरण में तो कुछ नहीं लगता। अच्छा, उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है पुराना। हाँ। और आप नाम बताते हैं तो वो सारा रिकॉर्ड के हिसाब से वो उसको नवीनीकरण कर देते हैं। अच्छा। सराफा में तीन प्रकार से वो उसकी फीस निर्धारित है, कारीगरों के लिए अलग, चांदी के और छोटे जो शोरूम हैं उनके लिए अलग, और बड़े शोरूमों के लिए अलग, ऐसे तीन कैटेगरी में उनने बांटा हुआ है जी। और इन तीन कैटेगरी में वो शुल्क लेते हैं। अच्छा, तो शुल्क कितना देय होता है सर इसमें? 500, 750 और 1000 रुपये। लालगंज में दो दिवसीय शिविर लगाने के बाद सराफा में भी शिविर का आयोजन किया गया जो कि शिविर सराफा एसोसिएशन के सहयोग से लगाया गया।